Okay, I'm just a laugh, please. A laugh. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अभी भाई मुबशर और ज़ैन भाई जो हैं वो इंटरनेशनल टूर के लिए जा रहे हैं। दरवाज़ा कैसे खुलेगा? मैं और मुकर्रम भाई जो हैं वहीं ड्रॉप करके आएंगे इंशाल्लाह। तो अभी ज़ैन भाई का GoPro 9 जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ था, फिर ज़ैन भाई को ये क्लिप चाहिए था मोबाइल के लिए, तो मैंने ये स्टैंड भी साथ में ले लिया, और उसके अलावा ड्रोन चाहिए था, तो ये उस घर पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। और रात की पैकिंग जो है वो हमने तकरीबन 80% कर ली हुई है, तो अभी जो है बाकी जो रहती है वो भी मैं ज़ैन भाई के साथ हेल्प करवाऊंगा उनकी पैकिंग करवाने में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बहुत जल्द निकलेंगे, 7:30 बजे हमने निकलना है घर से, और अभी हो रहे हैं 6:40। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी हो गई है तैयार, अल्लाह कामयाब करे। आमीन आमीन। ओके जी। अल्लाह हाफिज़। तो अभी निकलते हैं। अच्छा फैसला, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सियालकोट हम पहुंच चुके हैं। ये ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, भाई लोग जो हैं वो जा चुके हैं, उनका इंटरनेशनल टूर था तो यहाँ से हमने डेवो पे बिठा दिया है, आगे वो जाएंगे इस्लामाबाद, वहाँ से उनकी फ़्लाइट है। तो अभी भाई मुकर्रम को हमारे काम जो है शहर के वो हम निपटाएंगे। भाई मुकर्रम ने अपने डॉक्यूमेंट्स लेने थे, वो बाइक के 150 के उनके डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, तो वो लेंगे। शोरूम के सामने पार्किंग नहीं थी तो मैं थोड़ा आगे आके साइड पर मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, तो मुकर्रम भाई को कहा कि मैंने इस तरफ आ जाएँ, मैं इधर जैज का पॉइंट मिला जी। मुकर्रम भाई गए हैं अंदर पता करने के लिए कि ई सिम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? कहने लगा मुश्किल है। की मतलब मुश्किल है? मुश्किल ही मिले, लेकिन फिर भी यही जड़ी मेन ब्रांच है तो पता चुका था। मेन ब्रांच कितने पर? पेरिस रोड जी। आप बताएं अब क्या कह रहे हैं ये? वो कह रहे हैं कि यहाँ से तो कहीं से नहीं मिलेगी आपको ई सिम। वो मैंने उनसे पूछा कि मेन जो ऑफिस है वहाँ से मिल सकती है, मेन फ्रेंचाइज, तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है वहाँ से मिल जाए, लेकिन वो जो है यहाँ से शिफ्ट हो गया हुआ है गुजरा वाले, काफ़ी देर पहले की बात है। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स है डुप्लीकेट नई सिम के बस, लेकिन जो है सिम यहाँ से नहीं मिलेगी, सियालकोट से नहीं मिल सकती। फिर ई सिम रखी क्यों है इन्होंने? होनी वैसे चाहिए, इतना बड़ा फार्मूला है नहीं है यार, हद हो गई है। अच्छा जोंग की ई सिम है ना? अब मेरे ख्याल से जोंग की ई सिम आ गई है, तो मेरी एक जोंग सिम है ही, कितने वो पता है तुहाड़े कोले? मेरे को देली वापस होएगी ते परस वे लेने। देखो अगर जोंग की ऑप्शन है तो जोंग की सिम हम डालेंगे इंशाल्लाह। हाँ तो चेक करेंगे कि सर्विस उसकी आती है कि नहीं हमारे गांव। मसला ये है ना कि यार सर्विस तो जायज की आनी चाहिए, क्योंकि यही तो नंबर मैं इस्तेमाल करता हूँ। है नहीं जोंग की मकल्ला भाई ने दी है, एक टेलीनोर दी है, एक सऊदी अरेबिया दी है ना, एसकॉम। अगर ई सिम में आ जाए ना तो फिर मज़ा हो जाए, क्योंकि एसकॉम की एक तो सिम मेरे पास है और एसकॉम पूरे पाकिस्तान में चलती है, और एसकॉम के लिए पीटीए प्रूफ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा फ़ोन जनाब दोनों ई सिम्स हैं, अगर एक फिज़िकल होती तो हम एसकॉम चलाते होते। आप भी चला सकते? अल्लाह करे जल्द ही आ जाए। अभी हमने जोंग की फ्रेंचाइज जो है उसका उसकी नेविगेशन लगाई थी, तो तकरीबन 3-4 मिनट के फासले पर था, यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये अब ओप्पो के ऊपर लग चुका है, यही शॉप्स की फोटो लगी हुई थी, ऊपर लिखा हुआ था फ्रेंचाइज जोंग। अब ये है फ्रेंचाइज यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, और शायद कंपनियाँ ब्रांड जो हैं वो अपने खर्चे कम करने के लिए फ्रेंचाइज ख़त्म कर रही हैं, लेकिन अगर पॉइंट बनाया तो कम से कम वहाँ पे ई सिम तो होनी चाहिए, या फिर कोई ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए कि बंदा घर बैठ के या तो ऑर्डर कर सके या फिर बाय कर सके। एक QR कोड ही हमें मिलना है, तो बस वो ही नहीं मिल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया है,
अभी फ़िश की खुराक जो है वो लेने वाली रहती है, तो वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से खुराक लेते हैं और फिर वापस चलते हैं घर को इंशाल्लाह। वो रहा सामने घंटाघर, उस पर रिपेयरिंग चल रही है, पता नहीं पेंट शेंट हो रहा है या क्या हो रहा है। और यहाँ पे जनाब एक्वेरियम स्टोर वाले जो है ना वो बंद है। टाइम क्या हो रहा है मुकरम भाई? 10:30 हो, 10:30 हो रहे हैं और दुकानें मार्केटें अभी तक बंद हैं जी, हद हो गई है। वैसे दिन कब का निकला हुआ है, हमने तो आधा दिन मतलब शहर के हिसाब से तो एक दिन हमने गुजार लिया हुआ है, अभी एक दिन अभी बाकी है, इंतज़ार कर ले। हाँ नंबर है, कॉल करके पूछ ली किनुआ, ऊपर नंबर दिया हुआ है, नंबर पर कॉल किया तो नंबर भी बंद है जनाब। अभी थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं 15-20 मिनट आधा घंटा, अगर आ गए तो आ गए, नहीं तो फिर हमें जाना पड़ेगा। लेकिन खुराक जो है वो मछलियों के लिए ना बहुत ज़रूरी है, हमें पता नहीं है खुराक के अलावा उन्हें क्या क्या डालना है, खुराक हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा इंतज़ार ख़त्म हो गया है और दुकान जो है वो खुल गई है, हम तब से यहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं, तकरीबन एक घंटा तो हमने इंतज़ार किया ही है। अभी शॉप खुल गई हुई है, अभी खुराक लेते हैं मच्छी फिश की और चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली फाइनली हमें खुराक मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सफ़र है रवा दवा जारी और सारी, मुकरम भाई को उनके गांव ड्रॉप कर दिया है, अब हमने अपने घर जाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बच्चों को जो है वो छुट्टी हो चुकी है, 10 मिनट हो गए हैं छुट्टी हुए हुए, मुमकिन है वो रास्ते में मिल जाएँ, अगर मिल गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे साथ ही चले जाएँगे, नहीं तो वो मुमकिन अगर पहुँच गए हों, देखते हैं लेट्स सी। कितना प्यारा बादल यहाँ पे बना हुआ है माशाल्लाह, यानी ये साइड पे पहाड़ है और पहाड़ों पे बादल, अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह जी खेतों में पहुंच चुके हैं, हमारी फिशेस जो है ना ये मज़े कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे पानी जो है ना वो बड़ा गदला सा हो जाता है एक दो दिन बाद, ग्रीन 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 ग्रीन। तो खैर जी मज़े में आए, भाई लोग जो हैं यहाँ पे नहीं हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है। हाँ जी माऊ कैसे हो, टिको निको निको नाराज हो नाराज हो। तो माशाल्लाह मज़े में, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ चारपाई है तो उसके ऊपर मैं लेटा हुआ था, दिल कर रहा था सो जाऊँ, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया हुआ, घर जाके खाना खाते हैं क्योंकि भूख बहुत लग गई है, सर में दर्द हो रहा है इसी वजह से शायद, ब्लड प्रेशर लो लो लो। हम बॉस गए जी खरगोशों के पास, वो मज़े से बैठा हुआ है खरगोश, इसके लिए ये हम चारा लेके आए हैं, ये लें चारा खाएं। माऊ वो चली गई वहाँ दीवार पे, आपको नज़र आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहाँ जाना है? दूर दूर, दूर दूर चलो, हम जा रहे हैं दूर दूर, लेस लेने, दूध लेने, अब हम नहीं जाएंगे दूर दूर, दूर दूर नहीं जाएंगे क्योंकि दूध आ चुका है, दूर दूर, दूर, दूर नहीं, ये दूध आ चुका है पीना दूध। माशाल्लाह जी भिंडी का सालन और साथ में चोपड़ी हुई रोटी खाएं। हाँ जी ये है मानी, अभी हम नहाने लगे हैं सारे बच्चे ये बेरी के पत्तों के साथ, और बेबी हमारा छुपा हुआ है यहाँ पे। माँ कैसे हो? आजो 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 आजो, अलमारी में बेबी छुपा हुआ था, हमारा मोहम्मद छुपा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने और बच्चों ने नहा लिया है, मैंने और इस बच्चे ने नहा लिया मोहम्मद ने। अभी ये नाराज है क्योंकि बाइक के ऊपर से उतरना नहीं चाहता, ये दूर दूर जाना चाहता है। कहाँ जाना है आपने? दूर दूर। यस तो अभी इसे दूर दूर लेके जाएंगे हम घर से थोड़ा बाहर, वहाँ से घास जो है वो काट के लाएंगे इन खरगोशों के लिए इंशाल्लाह। दबड़ा रेडी, दरांतरी रेडी है। हाँ जी तो अभी बाहर से घास काट के लाते हैं, हमारे घर की घास अभी छोटी छोटी है बड़ी नहीं हुई, पहले मैंने ना इसको मतलब घास अपने सेहन की काट काट के खिलाई है जहाँ से बड़ी बड़ी थी, अभी छोटी छोटी है तो हमें बाहर से घास काटनी पड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी चारा हमने काट के खरगोशों को डाल दिया है, अब टाइम हुआ चाहता है नमाज मगरब का, तो हम दोनों जाएँगे, दूर दूर जाना है ना, नमाज पढ़ने जाना है ना। हाँ जी हम वहाँ से चीज़ भी ले आएँगे और नमाज भी पढ़ाएँगे जी।
शाबाश। हाँ जी, हमने नमाज पढ़ी है। शाबाश। वहाँ से अब हम जी चीज लेंगे और फिर चलेंगे घर इंशाल्लाह। वहाँ क्या है? अच्छा, हेलो जी, वहाँ वो सामने दुकान है, वहाँ से हम लेंगे चीज। यस मोहम्मद, कहाँ है लेस चीज? ये ले ली हमने चीज। यही है। हाँ जी, कहाँ? दूर दूर, दूर। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज इशा का टाइम हो चुका है, तो अभी नमाज इशा पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसको तो जाना है दूर दूर। लेस। दूर दूर, उसके बाद लेस। लेकिन हम इस बार लेस नहीं लेके आएंगे, ठीक है? ओए चाबी ले लें, रुके रुके रुके। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। टोपियों की तरतीब के बारे में बताना था शुरू शुरू में ना, ये ऐसे ही टोपियाँ जो भी पहनता था उतार के, वो जो वहाँ का वो रखा हुआ है ना तो फैंस, उसमें रख देते थे। तो फिर क्या हुआ, इसमें फिर ऐसा हुआ कि मैंने उनको तरतीब लगाना शुरू कर दिया। मैंने काफ़ी टाइम तरतीब लगाता रहा, फिर मुझे देखते कि ना बहुत सारे उन्हें सीख लिया, तो अब मुझे तरतीब लगानी नहीं पड़ती, ऑलरेडी तरतीब ही रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी क्या चाहिए? अच्छा, माशाल्लाह जी, चाँद जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और ये एक मियो चाँद ये है, क्या लेके आए हैं आप? ये बॉल लेके आए हैं। हाँ जी, तो अब आप रोज़ मेरे साथ नमाज पढ़ने जाया करेंगे ना जी, क्योंकि वहाँ से चीज़ भी मिलती है। ऐसे ही है जी, फिर से पढ़ें। ला इलाहा इल लल ला, ला। शाबाश। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, तमाम मुश्किलात परेशानियां दूर फरमाए, और दुनिया में किसी भी इंसान किसी भी चीज़ का मोहताज ना रखे। तो बस ये आज की वीडियो इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें, और अपनों को खुश रखें, और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।